गुजरात राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन जो चल रहा है, यानी कि 18 से 44 साल तक की आयु के नागरिकों का जो वैक्सीनेशन चल रहा है, उसके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। एक तरह से कहे तो राहत की खबर सामने आ रही है कि लगातार जो 18 से 44 साल तक की आयु के नागरिक हैं, उन्हें कोविन पोर्टल पर या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं मिल रही थी, तब राज्य सरकार की ओर से अभी अभी घोषणा कर दी गई है कि 18 से 44 साल तक की आयु के नागरिकों को जो फर्स्ट डोज लेने के लिए जो टीकाकरण केंद्र है वहां पर सीधे जाकर रजिस्ट्रेशन के जरिए उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। इसमें खास तौर पर राज्य सरकार की ओर से जो वैक्सीन का जो बर्बादी हो रही थी उसके सामने ये ज़रूरी कदम उठाया गया है। तो अब 18 से 44 साल तक की आयु के नागरिकों को वैक्सीनेशन सेंटर पर सीधे जाकर रजिस्ट्रेशन के जरिए अब वैक्सीन का पहला डोज मिल पाएगा। जी हाँ, अभी की ये बड़ी खबर आ रही है, जिसको लेकर अब 18 से 44 साल तक के जो नागरिक हैं उन्हें किसी भी तरह के अपॉइंटमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा। कोविन पोर्टल पर या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर यानी कि टीकाकरण केंद्र पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने वैक्सीन का पहला डोज ले लें। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।